ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास है, इसीलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह कोई मंत्र नहीं, ना ही किसी प्रकार का टोटका, अपितु यह है आकर्षण का मूल सिद्धांत, आकर्षण के गूढ़ रहस्य के बारे में है। किस प्रकार से आप किसी भी चीज को केवल आकर्षण की शक्ति के द्वारा अपने जीवन में पा सकते हैं, फिर चाहे वह कोई भी चीज हो। इसीलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप में से बहुत सारे साधक और बहुत सी साधिकाएं ऐसी होंगी जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी चीज को आकर्षित जरूर किया होगा, किंतु उन्हें वह चीज मिल नहीं पाई। आपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसे आकर्षित किया कि मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेके रहूंगा। जब आपने उसे आकर्षित करना शुरू किया तब आपके मनोगत विचार थे कि मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेके रहूंगा, किंतु धीरे धीरे वह विचार कम होने लगे और अंत में आते आते आपने एक समय ये मान लिया कि ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये मुझे नहीं मिल सकता, और वो विचार आपके दिमाग से चला गया। यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहली चीज ये अपने ध्यान में रख लीजिए कि 90 दिन लगेंगे किसी भी चीज को पाने के लिए, 90 days। 90 दिन तक आपको उस चीज के बारे में सोचना है। यदि आप आकर्षण का गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं, उसका निचोड़ अगर आप जानना चाहते हैं, तो एक शब्द में मैं यही कहूंगा कि 90 दिन तक आपको किसी भी एक चीज को अपने दिमाग में सोचना है। अधिकतर मेरे साधक यही गलती करते हैं कि वह केवल उस चीज को सोचते हैं जैसे उसे वो पाना है। उदाहरण के तौर पे, यदि आपको कोई मोबाइल फोन लेना है तो आप उस मोबाइल फोन के बारे में सोचेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना, आपको अपने साथ उस मोबाइल को देखना है कि वह मोबाइल आपके पास है। जब आप उस मोबाइल को सोचे अपने मस्तिष्क के पटल में, तब अपने आप की छवि भी आपको उस मोबाइल के साथ बनानी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह मोबाइल फोन मिलेगा तो अवश्य, किंतु आपको नहीं, आपके आसपास किसी और को। इसलिए सबसे पहले जब भी आप कोई चीज आजमाएं या किसी भी आकर्षण के सिद्धांत को वास्तविकता में लाएं, तो यह सोच लीजिए कि मुझे 90 दिन तक तो यह करना है, और अगर उसमें एक दिन भी आपने मिस कर दिया या एक दिन भी छूट गया तो उसको शुरुआत से करना पड़ेगा। और एक बार अगर आप इस चीज में मास्टर बन गए, आपको यह चीज आ गई कि किस प्रकार से दिमाग में कोई भी चीज बैठानी है, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लगेंगे। आपकी जिंदगी जो है आज के वक्त, वो आपके खुद के विचारों की ही है, और हमारे दिमाग में हमेशा विचार आते रहते हैं। किस प्रकार से अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में लाया जाए, इसके लिए सबसे उत्तम तरीका है मेडिटेशन करें, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, अथवा किसी भी चीज को ना सोचें, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दें, प्राण अपान करें, बस ध्यान की मुद्रा में बैठें। ज्यादा नहीं तो 30 मिनट सुबह तड़के 6 बजे उठ के मेडिटेशन करना शुरू करें। इससे होगा कि आपके विचार जो है वो कम होने लगेंगे। जिस प्रकार से एक समुन्दर में जब तूफान आता है और उस पर आप कोई पत्थर फेंकेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में पहले से ही इतने विचार हैं, और उसमें हम जो हम आकर्षित करना चाहते हैं उसको जब विचार को लाते हैं तो वो भी कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो विचार आ जाते हैं जो आपके दिमाग में पहले से ही दौड़ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। जिस प्रकार से एक शीतल नदी में एक छोटी सी कंकड़ मारोगे तो भी उसमें लहरें आ जाती हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, और उसके बाद आप कोई भी विचार सोचेंगे
तो वह जरूर पूरा होता है। और इसमें आपका साथ देने के लिए मेरा वाटर एक्सपेरिमेंट आपको बहुत मदद करेगा। सिर्फ आपको एक बोतल लेनी है, कांच की बोतल हो, उस पर कुछ भी ना लिखा हो, जो मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। और ये वीडियो मैं उस साधक के लिए बना रहा हूँ जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है, गुरुजी आकर्षण पे वीडियो कब आएगी। मैं मेरे किसी भी साधक का दिल कभी नहीं दुखाता, अपना किया हुआ वादा अवश्य पूरा करता हूँ। हाँ, देर जरूर हो सकती है, लेकिन वीडियो जरूर मिलेगी। आपको एक बोतल लेनी है जो कांच की बोतल हो, और उस बोतल पे कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ अपनी इच्छा लिख दीजिए। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन लेना है, वो मोबाइल फोन लिखिए, उसका कलर भी लिखना होगा। याद रखिए, जितना डिटेल में आप जाएंगे उतनी ज्यादा जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। अधिकांश लोग सोचते हैं मुझे फला कार लेनी है, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाते कि किस रंग की होगी, किस दिन लेनी है, किस महीने लेनी है। आप मेरी बात को विश्वास करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु यह कटु सत्य है। आप इसको मानकर देखिए और इस प्रयोग को करके देखिए, आपके सामने बहुत बड़े परिणाम होंगे। सिर्फ आपको इतना करना है, एक बोतल लेनी है और उसके ऊपर अपनी इच्छा लिख दीजिए, और उसमें पानी डालिए, और वही पानी आपको पीना है, बाहर का पानी नहीं पीना। और उस पानी को आपको मास्टर टिंचर मानना है, यानी कि उसका जो पानी ख़त्म हो जाए, ज़रा सा पानी बचे, उसमें फिर और पानी डाल दीजिए। इसी प्रकार से 90 दिन तक आपको पानी पीना है, और साथ ही आपको आकर्षण के सिद्धांत को भी आजमाना है। दूसरी बात यह है कि जो लोग नाखुश रहते हैं, जो लोग गुस्से में रहते हैं, उनकी इच्छाएं कम पूरी होती हैं, वजह उनकी जो खुश रहते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको पार कर लेते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने भी ये किया है, और मुझे भी बहुत कुछ इसके ज़रिए मिला है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी चीज़ आप सोचते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ आपके दिमाग में ना आए। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा मेडिटेशन के साथ। जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो सारी चीज़ें स्वतः ही संभव होने लगती हैं। और जब मन में कोई और विचार नहीं होगा, एक ही विचार होगा, तो वो चीज़ अवश्य पूरी होती है। इसके साथ जिस प्रकार से हम खाने में यदि हमें कोई कमी रह जाती है तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसी प्रकार से आप इसके साथ वाटर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कागज़ के ऊपर या एक बुक के ऊपर अपनी इच्छा को लिख भी सकते हैं, तो इससे आपको मदद मिलेगी, और आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाएगी, बहुत जल्दी आपके सामने होगी। और यह कही हुई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की बात है। यह होके रहता यदि आप इस पे विश्वास करेंगे तो। नतीजे नदारत हैं, और प्रकृति नतीजे दिखाने वाली होती है, और आप सोचते हैं ये नहीं हो सकता, ये बकवास है, और वो फिर नीचे चली जाती है। मेरी एक बात सदैव याद रखना, इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं, आप अपने विचारों के नतीजे हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा 80% ऑटो पायलट में होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, हम रोज़ाना वही काम करते हैं जो हम करते आए हैं। अगर आपने इस ऑटो पायलट को चेंज कर दिया तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सबसे आवश्यक बात यही है कि शांत रहा जाए और मस्तिष्क में विचारों की संख्या को कम किया जाए, और यह होगा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के दम पर। और जब भी आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना शुरू करें, उसे लिखना शुरू करें, और अंत में 1111 अवश्य लिखें, क्योंकि यह वह जादुई नंबर है, वह संख्या है जो इच्छाएं पूरी करता है। आप सिर्फ इतना करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा क्या नतीजे रहे। आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे इस प्रकार के आपको नतीजे मिलेंगे। आज से ही आप अपने आकर्षण के सिद्धांत को आजमाना शुरू करिए,
अपने मन में एक छवि बना लीजिए जो भी आप चाहते हैं और उसी को एक पेपर पे लिख दीजिए और साथ में पानी की बोतल के ऊपर भी वह लिखिए और उसे पीना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा रोज़ाना, और जब पानी थोड़ा सा बचे तो उसमें नया पानी डाल लें, और ध्यान रहे आपकी इच्छा है उसको आपके अलावा कोई ना देखे, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और अंत में एक 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 अवश्य लिख दें और अपनी इच्छा को उसके बाद मांगे। 90 दिनों तक आप ये अभ्यास करिए, 100% आपको आपकी इच्छा जो भी आपने सोचा होगा वह मिल जाएगी, यदि वह मिलने लायक होगी तो। इसीलिए आप शुरुआत करिए छोटी चीज़ों से और उसके बाद धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाते रहिए। और सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर मैंने आपको बात बताई कि अपने मस्तिष्क में विचार ना आने दें, विचार आते रहेंगे उनको आपको इग्नोर करना है और आपको कम से कम भी 10 से 15 मिनट शुरुआत में मेडिटेशन करना है और धीरे धीरे इसकी संख्या आधे घंटे तक ले जाइए। और जब आप इसकी संख्या एक घंटे तक ले जाएंगे, एक घंटे तक आप मेडिटेशन करने लगेंगे, तब आपके विचार बहुत कम हो चुके होंगे। और जिस प्रकार से नदी में एक पत्थर मारने से रिपल्स आ जाती हैं, उसी प्रकार से आपकी इच्छाएं भी चुटकी बजाते ही पूरी होने लगेंगी। और इसका असर आपको अभी नहीं दिखेगा, जिन लोगों को चीज़ें हासिल होती हैं अगर आप उनसे पूछेंगे या उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप भी यही पाएंगे कि उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया है। अगर आप उसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसी प्रकार की और भी ज्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूं, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे वीडियो ला सकूं जिसे सुनकर आप अपने जीवन को बदल सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। ओम नमः शिवाय।